नंबर 22 और 33 में जो नेशनल हाईवे पे गेल के द्वारा गैस पाइपलाइन डाली जा रही है, उसमें यहाँ पर नंदू फार्म में एक जल भराव की बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि कई वर्षों से बहुत बड़ी समस्या यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए बनी हुई थी। अनेकों उसमें दुर्घटनाएँ भी हुई और यहाँ पे क्षेत्र में बच्चों में जो भी इस तरह से बीमारियाँ फैलाने वाली सारी चीज़ें वहाँ से हो रही थी। पानी इतना ज़्यादा जल भराव वहाँ पे हो गया था कि सड़क पे आना शुरू हो गया था। नगर निगम ने उस पर संज्ञान लिया। जनहित में देखते हुए नगर निगम ने उस पानी की निकासी के लिए NH से परमिशन लेके उसका पूरा समाधान करा। लगभग 1.5 साल से बहुत सारी प्रक्रिया सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अभी जो गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है गेल के द्वारा और NH के जो उसमें शर्तें हैं उनके अनुसार उन्होंने पूरे जल भरा हो रहा था उसकी निकासी को पूरी तरह बंद कर दिया है और जो यूम पाइप नगर निगम ने डाले हुए थे उनको पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है, क्योंकि वो दोबारा से जल भराव की स्थिति यहाँ पर दोबारा उत्पन्न हो गई है। तो आज यहाँ के सम्मानित पार्षद राधा रमोला जी हैं, विजय बडोनी जी हैं और यहाँ की जागरूक जनता जो कि जनता की तरफ से FC माल जी यहाँ पर रहे, इन सभी लोगों ने मुझे अवगत करवाया। तो आज यहाँ पर स्थानीय लोगों के साथ में पार्षदों के साथ में जो निरीक्षण करा उसमें पाया गया कि काफ़ी खामियां और काफ़ी नुकसान इन्होंने नगर निगम के कार्यों में कर दिया है और जो कि जल भराव की समस्या दोबारा उत्पन्न होने लग गई है उसमें पूरी तरह से मट्टी भर दी गई है। तो संबंधित अधिकारियों को नेशनल हाईवे को इसे नगर निगम के द्वारा एक नोटिस आज जारी कर दिया जाएगा कि आप इस स्थिति जो यथास्थिति जैसे पहले थी उसी स्थिति में इसको बना के दें और आपका काम भी चलता रहे। ये भी जनहित का काम है, ये भी बाधित ना हो और जैसे पूर्व की स्थिति थी उसी तरह से जल भराव ना हो, जल की प्रॉपर निकासी हो, इसके लिए आप उसको शीघ्र अतिशीघ्र जनहित को देखते हुए पूरा करें।